हो गया अपना दही बड़ा भाई। काम करेगा और इसमें ऑटोमेटिक जैसा लग रहा है। हेलो तो दोस्तों, कैसे हो सब? आई होप सब बहुत मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, सबको जय श्री राम और पहले से गुड मॉर्निंग। जस्ट आपको पता ही है भाई, कल आपका भाई भुवनेश्वर से निकल के 25 किलोमीटर पे आके रिलायंस पेट्रोल पंप पे खड़ा था। 25 किलोमीटर आए थे हम भाई भुवनेश्वर, वहाँ कहीं पार्किंग नहीं मिली तो हमने यहाँ गाड़ी लगा दी थी। तो अभी जैसे कि भाई सुबह ही हो रही है तो मैं भी 9:30 बजे चले गया था भैया वहाँ भाड़ा लेने। 25 किलोमीटर गया था तो भाई 15,000 रुपये लेने थे वहाँ से, प्लस रिसीविंग लेनी थी तो हमने ले लिया रिसीविंग और 15,000। अब थोड़ा बहुत तेल डलवा लेंगे गाड़ी में और फिर निकलेंगे। अभी माल भी नहीं हुआ, ट्रांसपोर्टर कह रहा है 1 घंटे बाद बताऊंगा, तो 1 घंटे में हमको माल बता देगा। इतने हम करते हैं भाई ग्रीस करके गाड़ी को ओके कर लेते हैं एकदम। और भाई यहाँ तो रात को हमारी गाड़ी सेफ ही रही भाई, भगवान की दुआ से। मैं भी थोड़ा लेट नाइट सोया था, 12:30-12 बजे के बाद ही सोया था। और भाई ये चेक करो भाई यहाँ से, भाई इसमें जैक लगाने की भी जरूरत नहीं है। देखो भाई इसमें जैक लगाने की जरूरत तो है नहीं वैसे भी, इसको आपको ऐसे इसको ऊपर को उठाना पड़ेगा, उठाया और फिर ऐसे करना मुझे ये पकड़ा आपको, इसको बाहर खींचना है और ये आपका ऐसे घूमेगा, ये घूमता रहेगा और ये इसमें ऑटोमेटिक जैक लगे हुए हैं ट्रॉली में, गुटके लगाने पड़ेंगे बस, 2 लकड़ी के एक यहाँ पे एक वहाँ पे, इस हिसाब से घुमाना पड़ेगा। मुझे तो लगता नहीं यार ये कैसे उठेंगे इतने में, तो जैक लगा के उठा देते हम, है नहीं जैक लगाने की जगह ही नहीं बना रखी है। एक पिलर और बीच में डाल देते तो हो जाता था। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं ये कितना निकलता है जैक इसमें से, इतना पता भी लग जाएगा कितना जैक रहता है इसमें। किस तरह निकलता, कहाँ तक पहुँच गया यार, थोड़ा ही रह गया बोलो अंडे कैसा लग रहा है। भाई चेक करो भाई, देखो ये लग गया जैक ऐसे ऑटोमेटिक जैक है भाई, अब तो ऑटोमेटिक काम हो चुका है हमारा। अब ये देखो चकला कितना सूख गया, अभी इस पर ग्रीस लगाए इतने, काफ़ी टाइम से ग्रीस नहीं लगा दिखे ऐसा लगता है, पर कोई बात नहीं अब लगा देंगे। देखो ये चीज़ ज़्यादा काटती है चकले की ट्राली, देखो बिल्कुल सूखी पड़ी एकदम। पिन भी चेक कर लेते हैं एक बार, आ जाओ ठीक है। तो यार सोचते ग्रीस ही लगा दिया, सूखा भी पड़ा है, ग्रीस मांग भी रहा था, बैड कंडीशन में था यार बहुत ज्यादा। बोलते हैं भाई ये चकला कछुआ, आप इसे दो चीज बोल सकते, कछुआ चकला कुछ भी बोल दो। देखो भाई हाथ भी गंदे हो जाते हैं यार ग्रीस में, काले हो गए कपड़े से पहुंच के, अब गाड़ी मारेंगे बैग इसमें, काम अपना ओके, फिर नाश्ता करने चलते हैं यार। धापड़ होने लगे शरीर पर। चलो भैया भाई अपना वर्क तो कंप्लीट हो गया भाई, चकले में हमने ग्रीस लगा दिया बढ़िया करके, पीना हमारी एकदम ओके है, बस हमारा जो काम था हमने कर दिया। और भाई बहुत दिन से हमने आपको ट्रक इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, थोड़ा सा ट्रक के बारे में बता देते हैं।
तो भाई पहली बात तो ये हमारा ट्रक नहीं है, पहला तो हमारा ये घर है। ठीक है भाई, हमारा घर है, मैं चलता फिरता घर है। ठीक है, इसमें 10 गियर मिल जाता है आपको, ये देखो 10 गियर में घर है हमारा, ये बिल्कुल कंफर्टेबल घर है। 24 घंटे बिजली आती है, बिजली भागने की टेंशन नहीं है। हमारा पंखा है छोटा सा, मस्त ऐसे लगाओ और ऐसे सो जाओ। ठीक है, इसमें दो स्पीकर भी हैं, आप जब मर्जी गाने सुन सकते हो, अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो, ये आपका बैटरा है। और ये हमारा वो हो गया एम्पलीफायर, जो भी आप समझ सकते हो। और चलता फिरता घर है भाई। और ये लिया था हमने, देखो भाई अंडे हम खाते नहीं, कभी कभी खा लेते हैं भाई, झूठ नहीं बोलते, अंडे खा लेते हैं, वैसे कभी कभी खाते हैं। मांस मच्छी का ज़्यादा शौक नहीं है, मतलब खाते हैं अंडे, कभी कभी खाते हैं, झूठ नहीं बोलते भाई अपनों से। तो भाई ये इसलिए लिया था मच्छर मुच्छर भगाने के लिए, अब इसकी जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऑल आउट ले लिया। तो भाई अभी गुल्लू भाई हमारा नाश्ता लेने जा रखा है, और भाई माल भी हो गया है, माल हो गया तालचर से, वही वाली फैक्ट्री में जाना है और वहां से लोड करना है। बट उन्होंने कहा एक घंटे में आपको बताऊंगा, तो बाकी वेट करते हैं भाई। बाकी भाई हमारा काम तो कंप्लीट हो गया, पर हमारे को 25 किलोमीटर जाना पड़ा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट हम सेफ आ गए। बाकी एक टेम्पो वाला भैया मिला था भाई उड़ीसा का, बहुत बढ़िया था वो, ये 600 रुपए की डील हो गई थी हमारी, 300 रुपए में जाने के 300 रुपए आने के, पर कोई बात नहीं, 600 रुपए में आप सेफ पहुंच जाते हो, अपने घर चल जाते हो वापस अपने ट्रक पे, तो बहुत बढ़िया रहता। चेक करो भाई ये क्या लिया है, देखो बोल रहा था चूहा लाने को, पूरा पहाड़ उठा के लिया, देख रहे हो। चल घाल ना इसे, घाल देखते हैं क्या लाया। दही बड़ा बोलता है भाई वैसे से, पर मुझे ऐसा लग रहा है चखना लिया है पीने के लिए, है तो कुछ दमदार चीज, खाने को कुछ मिला ही नहीं, तो सोचा यही खा लेते हैं आज, नाश्ता पानी यही कर लेते हैं। बोल भाई हम पता है कितने दिन में आ गए, बताओ उड़ीसा में कितने दिन में आ गए होंगे, देखो आज तारीख क्या होगी, 9 तारीख होगी भाई, हम 3 तारीख की शाम को निकले थे, अब देख लो 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब चौथे दिन हमने खाली कर दी गाड़ी, एक दिन तो उसके वजह से खड़ी रही। अभी हम दही बड़े बता रहे हैं, अभी दही बड़े देखते हैं भाई कैसे होते हैं, देखो कितने सुंदर दिख रहे, दिख तो सुंदर है पर खाने में भाई, इधर की चीजों में ना धरती आसमान का फर्क है, हमारे उधर की चीज में ना देखो आपको ये दही दिख रही है, मतलब मैं कमी नहीं बता रहा है, देखो दही है, पानी है। तो इधर की चीजों में और हमारे इधर की चीजों में धरती आसमान का फर्क है, क्योंकि हमारे उधर गाय भैंस इन सब ये सब चीजें बहुत सारी हैं, तो इसलिए हमारे तरफ इन चीजों की कमी नहीं है। आपको ना मिठाइयां भी खाने को मिलेगी ना, बहुत अलग ही टाइप की मिलेगी, स्वाद रहेगा जिनमें। अब ये देखो दही कैसी है, बिल्कुल पानी, आपको अपने उधर के दही बड़े दिखा दिए तो आप बोल लोगे यार कि क्या खिला दिया भाई हमें। दही जो बड़ा होता है, बड़ा तो बहुत हेल्थी होता है, बट ठीक है पेट भर सकते हो आप। बाकी इसके साथ सब्जी भी दे रखी है, हमारे साथ दही बड़ा के साथ सिर्फ दही बड़ा मिलता है भाई, और वो दही भी बहुत अलग ही टाइप की रहेगी आपको, उसमें ये जो दही बड़ा होता है ना ठंडा रहता है हमारे उधर, और उसमें क्या क्या डाल के देते हैं, नमकीन दे देते, चलो नमकीन मान लो दे देंगे, और उसके बाद भैया प्याज दे देंगे, प्लस चटनी डाल के देंगे, प्लस उसमें आलू की टिक्की देंगे। बाकी ठीक है भाई, आज का नाश्ता हमारा दही बड़ा हो गया, ये मजा आ गया भाई दही बड़ा खा के, उड़ीसा का दही बड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए ना इस चीज में। और भाई आपका निकल गया भैया भुवनेश्वर से, भाई उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, इसलिए यार हमें कुछ मिल नहीं रहा था, कल याद भी नहीं आया कि यार ये राजधानी में ही घूम रहे हम। एक तो आप हाथ उठ देते हो कोई मानता नहीं, जब हाथ देते हो ना तो आप कोई देखता ही नहीं इन चीजों को, बट इनको फोकस करना चाहिए लोगों को, भाई कोई हाथ दे रहा तो इमरजेंसी में ही दे रहा होगा। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं कटक के लिए, क्योंकि भाई अभी ट्रांसपोर्टर का फोन तो आया नहीं कि भाई आ जाओ, बाकी वहीं जाके कोई सेफ ढाबे पे लगा देते हैं गाड़ी और रोटी पानी खाएंगे, रोटी पानी तो खाई नहीं, वही खाया था क्या बोलते हैं उसे दही बड़ा। अभी चलते रहेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 30-35 किलोमीटर बहुत कटक, वही चलते हैं अपना आराम आराम से, बाकी देखते हैं भाई क्या पता हो जाए माल अपना। माल तो वैसे हो गया था, पक्का बोल रहा था, कह रहा था बता रहा मैं तुम्हें, जब मैं बोलूँगा तब निकलना, उसने ऐसा बोल रहा था, दो जगह के माल बोल रहे थे, एक कुंजर का बोल रहा था, कुंजर का तो मैंने खुद मना किया क्योंकि वो चाय बस्सा वाला रोड बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं यार, हैंडल नहीं होता वो रोड,
गड्ढे ना हो तब तो मजा भी आता है। बाकी देखते हैं भाई क्या रहता है। मौसम में ठंडा हो गया बारिश का, भीड़ हो जाती है हाईवे पे रात को, तो मैंने सोचा भी निकल जाता हूँ, टाइम पे निकल जाते हैं कटक पहुँच के, फिर देखते हैं क्या करना चाहिए। नदी का नाम बताना भाई, कटक वाले भाई, कटक वालों नाम बताना नदी का। और भाई अभी ट्रांसपोर्टर का फोन आया, वो कह रहा 7 बजे तक वेट करो। तो भाई अब देखते हैं भैया क्या होता है। भाई माल की पोजीशन शायद डाउन है ज्यादा बारिश करके, बारिश में यही काम होता है भाई, माल की कंडीशन थोड़ी डाउन हो जाती है। भाई 5:30 बज गया, आपको भाई पहुंच चुका है राजस्थानी ढाबे पे, लगा दी गाड़ी है, देखो क्या पार्किंग है, पूरी खाली गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट भी है ना। अब देखते हैं भाई क्या सीन रहता है, 7 बजे बोल रहा था। और मैं विजिट कर गया ढाबे के अंदर, अब भूख लग रही है यार तगड़ी वाली, अब ऑर्डर मार दिया, खाना आने वाला है, आज खाएंगे दोस्तों कुछ तूफानी राजस्थानी खाना। ट्रांसपोर्टर ने पता क्या बोला, भाई कि क्या बोला है ट्रांसपोर्ट, 7:30 बज गए, 7:30 बजे बताऊँगा, अभी तक कुछ बताया नहीं। बहुत बुरा हुआ यार, आज माल नहीं होता बेटे, आज ऐसे क्या मोबाइल चला दो, नहीं मोबाइल चला, आज माल नहीं होने का। और भाई ये चेक करो, ये आपके भाई का खाना आ गया, खतरनाक खाना, कैसा है भाई? और भाई चेक करो भाई, आपका भाई निकल गया भाई राजस्थानी होटल से, ढाबे से खाना पीना खा गया भाई, खाना बहुत तगड़ा था। और भाई अभी निकल गए हैं, बहुत लंबा सफ़र है, हमें जाना है कुंजर, समझते हो, कुंजर तो हम जा नहीं पाएंगे, उससे पहले गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई आगे खतरे वाली जगह है, वो वहाँ पानी कुल्ली जाके खड़ी हो जाएंगे, पानी कुल्ली एक जगह है, वहाँ जाके टोल पे लगा के सो जाएंगे, और फिर वहाँ से 4-5 बजे निकलेंगे, 4-5 बजे निकल के देखेंगे भाई क्या सीन होने वाला है, चलते रहेंगे अपना आराम आराम से। भाई ट्रांसपोर्टर का लेट नाइट फोन हुआ है, ये जो ऑर्डर था ना, ये वाला जो ऑर्डर था, जो कुंजर वाला ऑर्डर था, ये सुबह ही कॉल आया था उसका, हाँ कैंसिल कर दिया था हमने, फिर दोबारा इधर ही जाना पड़ा, क्योंकि तालचर वाला भी कैंसिल हो रखा माल, रेट बहुत कम दे रहा भाई, 3500 रुपये दे रहा था, और 3500 कुंजर से मिल रहे थे, तो भाई ये कुंजर वाला ज़्यादा बढ़िया, हल्ली गाड़ी चलेगी, हल्ली गाड़ी ही कम से कम सफ़र बचेगा इसमें, और कुछ भी नहीं। तो ठीक है भाई दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, ऑन द स्पॉट ऑन द रूट, तो बाकी कल को मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, सबको जय श्री राम एंड गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।